एक गाइज, कल हमने देखा था कि क्या होता है आपका प्रोटोस्टार, ठीक है। फिर हमने देखा था कि नेबुला से कैसे दो प्रोटोस्टार बनेंगे आपके, ठीक है। अगर एक बड़ा प्रोटोस्टार होगा तो वो क्या बनेगा, एक बिग स्टार, ठीक है। छोटा प्रोटोस्टार होगा तो ये बन जाएगा आपका एक स्मॉल स्टार। यहाँ से फिर बनेंगे आपके रेड जायंट्स, ठीक है ना, ये आपके रेड जायंट बन जाएंगे। और फिर हमने देखा था कि कैसे अगर एक बड़ा स्टार रेड जायंट बन गया, जब वो ब्लास्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है। ये होता है आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद अगर आपके रेमिनेंट कितने बचे हैं, 1.4 से लेकर 3 टाइम्स, किसके कंपैरिजन में, आपके सन के मास के कंपैरिजन में, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक न्यूट्रॉन स्टार। और अगर ग्रेटर देन 3 है, किसके कंपैरिजन, आपके सन के मास के कंपैरिजन में अगर ग्रेटर देन 3 टाइम्स बचा हुआ है मास, तो ये क्या बन जाएगा, एक आपका ब्लैक होल। और फिर हमने ये भी देखा था कि जब एक छोटा स्टार, जब उसकी डेथ हो जाती है हाइड्रोजन ख़त्म होने के बाद, तो ये क्या बन जाता है आपका, एक वाइट ड्वार्फ। और यही वाइट ड्वार्फ आगे जाके क्या बन जाएगा आपका, एक ब्लैक ड्वार्फ। फिर हमने कुछ रिलेटेड टर्म्स देखी थी और हमने फिर लास्ट में कंक्लूड किया था आपके सोलर सिस्टम से, ठीक है। हमने देखा था कि सोलर सिस्टम में आपका टर्मिनेशन शॉक कहाँ पे और आपका हेलियोपॉज कहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका सन, और उसके बाद आपका टर्मिनेशन शॉक कहाँ पे और आपका हेलियोपॉज कहाँ पे। हमने ये भी देखा था कि सन से लेकर अर्थ की जो डिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं आप, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और उसका हमने देखा था कि ये कितना होता है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। एक मोटे तौर पे 150 मिलियन किलोमीटर आपका डिस्टेंस होता है, और इसी को आप क्या बोलते हो, आपका एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके कंपैरिजन में ही बाकी पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। हे गाइस, मेरा नाम है शुभम टिम्बुरकर और आज आपका है लेक्चर नंबर 3। तो आज हम पढ़ेंगे आपका सोलर सिस्टम पूरा कंप्लीट, और उसको पढ़ने के लिए हम एक इमेज से उसको पहले ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो आपके सोलर सिस्टम में जो सेंटर में वो है आपका सन, ये है आपका सन, ठीक है। आपके सेंटर में क्या है आपका सन, उसके जो करीब है, सबसे करीब वो है आपकी मर्क्यूरी, सेकंड नंबर पे आपका वीनस, और थर्ड नंबर पे आपकी अर्थ, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आएगा आपका मार्स, और मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ एस्टेरॉइड्स का बेल्ट है, ठीक है। इस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है। और फिर आता है मार्स के बाद आपका जुपिटर, और जुपिटर के बाद है आपका सैटर्न, ठीक है। सिक्स नंबर पे आपका सैटर्न, और सेवन नंबर पे आपका यूरेनस, और एट्थ पर आपका नेपच्यून, ठीक है। और नेपच्यून के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट आएंगे उनको हम बोलेंगे TNO, TNO मतलब आपके ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट, ठीक है। और TNO को दूसरा भी नाम क्या है आपका, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका टर्मिनेशन शॉक, ठीक है, आपका टर्मिनेशन शॉक वाला रीजन, ठीक है, ये आपका टर्मिनेशन शॉक। और उसके बाद आता है आपका हेलियोपॉज, और हेलियोपॉज के बाद आते हैं आपके वुड्स क्लाउड, ठीक है। तो हमें क्या क्या समझना है, आपको समझना है कि वुड क्लाउड सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है, और हेलियोपॉज टर्मिनेशन शॉक के बाद आएगा, और आपके TNO को क्या बोलते हैं हम, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये आपके सीक्वेंस हो गई, पहले आएगा मर्क्यूरी, उसके बाद आएगा वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। और प्लूटो क्या है, अभी एक ड्वार्फ प्लैनेट। तो ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है, प्लैनेट्स क्या होते हैं, स्टेलेस्टियल बॉडी क्या होती है, जुवेन प्लैनेट क्या होते हैं, ये हम अभी थोड़ी देर में कंप्लीट कर लेंगे। बस आपको पहले क्या है पता होना चाहिए, उनका लोकेशन कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ठीक है। तो आपके जो भी प्लैनेट है उनको याद रखने के लिए एक निमोनिक्स है,
ठीक है, या फिर मान लो एक फ्रेज है तो उसका क्या है, माय वेरी एजुकेटेड एजुकेटेड मदर। तो माय से मतलब एम, एम से क्या बन जाएगा आपका मर्क्यूरी, वेरी से वी, और वी मतलब आपका हो जाएगा वीनस, और एजुकेटेड, एजुकेटेड में स्टार्टिंग लेटर आप लगा अल्फ़ाबेट कौन सा, ई, ई से बन जाएगी आपकी अर्थ, और मदर से आपका जो एम है उससे बन जाएगा आपका मार्स। ठीक है, तो क्या हो गया, माय वेरी एजुकेटेड मदर, माय वेरी एजुकेटेड मदर। ठीक है, उसके बाद जस्ट सोड अस 9 प्लैनेट। ठीक है, तो जस से क्या आएगा आपका जे, और जे से मतलब आपका जुपिटर। ठीक है, और एस से क्या बन जाएगा आपका सैटर्न, यू से बन जाएगा आपका यूरेनस, और 9 से जो एन है, एन से आपका नेपच्यून, और प्लैनेट का जो पी है वो बन जाएगा आपका प्लूटो। पर प्लूटो क्या है, एक प्लैनेट नहीं है, वो एक ड्वार्फ प्लैनेट है। तो ड्वार्फ प्लैनेट क्यों है उसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, सोलर सिस्टम में टी एन ओ कहाँ पे है, मतलब ट्रांस ऑब्जेक्ट नेपच्यून ऑब्जेक्ट, आपके नेपच्यून के बाद वाले सभी। ठीक है, ठीक है ना, ऑल्सो रिटर्न ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट इज एनी माइनर प्लैनेट और अ ड्वार प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम दैट ऑर्बिट द सन एट अ ग्रेटर एवरेज डिस्टेंस देन नेपच्यून। मतलब जो भी नेपच्यून के बाद आपके ऑब्जेक्ट है जो सन को क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे, वो क्या है आपके सभी के सभी ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये कब आते हैं, 30.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बाद। ठीक है, उनका लोकेशन आपको पता चल गया कि टीएनओ का लोकेशन कहाँ पे, 30.1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, या फिर आप मोटा मोटा याद रख सकते हो 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसके बाद जितने भी आपके ऑब्जेक्ट है उनको हम क्या कहेंगे, आपके ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि नेपच्यून के बाद आ रहे वो। ठीक है, उन्हीं को क्या कहेंगे आप, ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वहाँ पे क्या है, रॉक्स और आइस। आइस क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उस वहाँ तक के ज़्यादा आपकी रोशनी नहीं पहुँच पा रही सूरज की, जिसके कारण क्या है, हमने कल क्या देखा था आपका गोल्डीलॉक जोन, और गोल्डीलॉक जोन में हमने क्या देखा था कि अगर कोई प्लैनेट सन से दूर है तो वो वहाँ पे क्या होगा, आइस। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि वहाँ तक आपकी रोशनी का इफेक्ट ज़्यादा नहीं होता इसलिए। ठीक है, और उनको ही क्या कहा जाता है, आपके क्यूपलर बेड, टी एन ओ को ही हम क्या कहते हैं, आपके के बी ओ, मतलब टी एन ओ मतलब ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट, और के बी मतलब क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपके जो 5 ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है, उनमें कौन सा है, आपका है पहला प्लूटो, ठीक है, दूसरा आपका एरिस, थर्ड आपका मेकमेक, फोर्थ आपका होमे, और फिफ्थ आपका सेरेस। ठीक है, ये ड्वार्फ प्लैनेट क्यों है उनको हम बाद में समझेंगे, पहले आप एक मोटा मोटा याद रखिए कि हमें क्या देखना है, ड्वार्फ प्लैनेट होते क्या है। ठीक है, हमने देखा था फिर टर्मिनेशन शॉक, टर्मिनेशन शॉक को हमने देखा कहाँ पे आता है आपका। ठीक है, तो टर्मिनेशन शॉक होता क्या, तो ये एक आउटर लिमिट है किसकी, आपके सन के इन्फ्लुएंस की। ठीक है, एंड इज वन बाउंड्री ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, मतलब आपका ये सोलर सिस्टम है, मतलब आपका ये सन है बीच में, तो ये जो आउटर बाउंड्री है इसी को हम क्या कहेंगे, आपका टर्मिनेशन शॉक। और यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आपके जो पार्टिकल्स हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, और स्लो डाउन कितने हो जाते हैं कि वो जो आपकी साउंड की स्पीड है उससे भी स्लो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, दे आर स्लो डाउन सो दैट
द पार्टिकल आर ट्रेवलिंग स्लोवर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो मतलब आपका टर्मिनेशन शॉक समझ आया कि टर्मिनेशन शॉक क्या होता है। उसके बाद जो आपके पार्टिकल है वो उनकी स्पीड कैसी हो जाएगी, साउंड के स्पीड से भी ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। और इस रीजन को हम क्या कहेंगे, आपका टर्मिनेशन शॉक, ठीक है। द पॉइंट वेयर द सोलर विंड बिकम्स लोअर देन द स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड अस टर्मिनेशन शॉक, ठीक है, है ना, इतना समझ आ गया। और उसके बाद जो आता है टर्मिनेशन शॉक के बाद, आपका आता है हेलियोपॉज, मतलब आपके जो सोलर विंड्स हैं उनका इफेक्ट इसके बाद हमें देखने को नहीं मिलेगा। मतलब सन रेज है, उनका सन रेज का इफेक्ट यहाँ तक के, मतलब जहाँ तक के हमें देखने को मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, आपका हेलियोपॉज, मतलब उसके बाद हमें उसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उल्ट क्लाउ देखा हमने, और उल्ट क्लाउ का पोजीशन देखा, ठीक है। उनको कभी कभी क्या कहा जाता है, ऑप्टिक उल्ट क्लाउड। और यहाँ से क्या आते हैं आपके कॉमेट्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, आपके लॉन्ग टर्म कॉमेट्स। तो लॉन्ग टर्म कॉमेट क्या होता है, शॉर्ट टर्म कॉमेट्स क्या होते हैं, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। पर आप समझ लो कि लॉन्ग टर्म कॉमेट्स कहाँ से आएंगे, आपके उड क्लाउड से, और उड क्लाउड का पोजीशन ये आपके आगे, ठीक है। और वो उनका डिस्टेंस क्या होगा सन के पास रिस्पेक्टिव में, वो होगा 2000 से लेकर 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। तो हमने हमारी सोलर सिस्टम देख ली, हमने सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स देख लिए कि हमारे प्लैनेट्स का पहले कौन सा प्लैनेट है, दूसरा कौन सा प्लैनेट, तीसरा, ऐसे हमने 9 प्लैनेट देख लिए। और हमने ये भी देखा कि 9 प्लैनेट में जो आपका प्लूटो है वो क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट क्यों है उसको थोड़ी देर में समझेंगे। फिर हमने देखा कि आपका TNO क्या होता है, ट्रांसटेम्पचर ऑब्जेक्ट। फिर आपका क्यूपर बेल्ट क्या है। फिर हमने देखा आपका टर्मिनेशन शॉक क्या है, और टर्मिनेशन शॉक हम उसे क्यों कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके नोट्स बन जाने चाहिए, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपका TNO का स्क्रीनशॉट, फिर आपके टर्मिनेशन शॉक का, ठीक है, फिर ये आपके उल्ट क्लाउड का, ठीक है ना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये है आपकी सोलर सिस्टम पूरी, ठीक है। और ये बीच में क्या आपका सन, ठीक है। और ये आपका टर्मिनेशन शॉक। टर्मिनेशन शॉक मतलब कौन सा, एक ऐसा रीजन इसके बाद जो आपका जो पार्टिकल्स है ना वो साउंड के भी स्पीड से स्लोअर ट्रैवल करेंगे, ठीक है। तो इस रीजन को हम क्या कहते हैं, आपका टर्मिनेशन शॉक। और हेलीपॉज क्या होता है, हेलीपॉज मतलब जहाँ तक कि आपके सन रेज का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो वॉयेजर 2 है, ठीक है, वॉयेजर 2 है, वो टर्मिनेशन शॉक के भी क्रॉस करके चला गया, ठीक है। टर्मिनेशन शॉक को क्रॉस करके बाहर चला गया। तो शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स और लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स होते क्या है, तो पहले देख लेंगे हम शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स। तो ये कहाँ से आते हैं, आपके TNO से या फिर KBO से, ठीक है। और उनको कितना साल लगता है, 200 से ज़्यादा साल लगता है या फिर उससे कम लगता है, ठीक है। 200 सालों से कम टाइम लगता है आपके शॉर्ट पीरियड कॉमेट को रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। और वो एक क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है। दे डू नॉट फॉलो अ राउंड पाथ। और ये KBO से आने के कारण क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर होगा कम। और टेम्परेचर कम होने के कारण ये कैसे बन, ये जो बने होंगे ये किससे बने होंगे, आइस से, ठीक है। और मान लो ये जैसे सन के पास आ रहे हैं, एक आइस का गोला सन के करीब ऐसा रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ये सन के पास आएंगे तो ये क्या होते जाएंगे, मेल्ट। और मेल्ट होने के कारण क्या होगा, मान लो ये बॉडी है, ये मेल्ट हो रही है, और यहाँ पे आपका सन है, तो सन की रेज इस पर गिरेंगी, तो ये क्या होगा, इसके वेपर, ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
और मेल्ट होगा तो ये क्या करेगा, आपके जो भी आइस है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे मेल्ट होने के कारण, और ये ऐसे इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो ऐसा लगता है कि मतलब ये कॉमेट है और ये इसकी क्या है, टेल, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट करेगी उसकी टेल, ठीक है। तो मान लो अगर ये अभी वापस जा रहा है इस साइड, अभी ये एक मिनट क्लियर कर देता हूँ पूरा। मान लो ये आपका सन है, ये आपका कॉमेट इसके तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इसकी टेल कौन से साइड होगी, अपोजिट साइड, ठीक है। अभी मान लो ये एक कॉमेट है और ये वापस जा रहा है, तो फिर भी इसकी टेल कौन से साइड होगी, अपोजिट साइड, ठीक है। सन के अपोजिट उसकी टेल रहेगी, ठीक है, ऑलवेज। एग्जांपल, ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि टेल ऑफ कॉमेट फॉलो कॉमेट इन अपोजिट टू द सन, मतलब सन के अपोजिट में ही उसको फॉलो करेगी, नो मैटर कि वो अप्रोच कर रहा है कि वो आपके सन से दूर जा रहा है। और टेल कैसे बने होते हैं, आपकी वेपर्स से, ठीक है ना। तो कॉमेट्स के बारे में तीन चीज़ें, दे डज नॉट फॉलो राउंड पाथ, दे आर आईसी बॉडी। आईसी बॉडी क्यों होती है, क्योंकि वो केबीओ से आते हैं या फिर किओना से आते हैं, और जहाँ वहाँ पर क्या होता है, सनरेज बहुत, सन रेज का पेनेट्रेशन क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसके कारण वो क्या बन जाते हैं, आइस बॉडी, ठीक है। और उनका टेल ऑफ कॉमेट फॉलो द कॉमेट इन अपोजिट टू द सन। तो ये आपके शॉर्ट पीरियड कॉमेट्स हो गए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देख लेते हैं आपके लॉन्ग पीरियड कॉमेट। लॉन्ग पीरियड का क्या होता है, लॉन्ग पीरियड कॉमेट क्या होता है, ऐसे कॉमेट जो कहाँ से आएंगे, आपके ऊर्ट क्लाउड रीजन से, बियॉन्ड हेलियो पॉज। तो अगर कोई आपका कॉमेट ऊर्ट क्लाउड रीजन से आ रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, आपका लॉन्ग पीरियड कॉमेट। और लॉन्ग पीरियड कॉमेट क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको बहुत साल लग जाते हैं, ठीक है, रिवॉल्व करने के लिए। अभी हम देख लेंगे आपकी प्लैनेट और सोलर सिस्टम। तो हमने देखा कि आपका क्या है, पहला मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वीनस, उसके बाद अर्थ थर्ड नंबर पे, और यहाँ पे आपका मार्स, और मार्स और जुपिटर के बीच में क्या आपके एस्टेरॉयड बेल्ट, एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। फिर हमने देखा कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। हमने प्लूटो क्यों हटाया, क्योंकि प्लूटो है आपका एक ड्वार्फ प्लैनेट, राइट। तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर वाले प्लैनेट होते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, आपके इनर प्लैनेट, और उन्हीं को क्या कहते हैं, आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। अगर ये प्रीलिम का क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है, और आपको फिर कुछ ऑप्शन दिए होंगे, तो उनकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, जो भी प्लैनेट जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट के पहले है वो क्या हो जाएगा, आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। दीज प्लैनेट आर वेरी क्लोज टू सन एंड दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, ठीक है। और इनर प्लैनेट में कौन से आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। तो ये वन ऑर्बिट सन के अराउंड कितने दिनों में करता है, आपका मर्क्यूरी 88 डेज में, आपका वीनस करता है 255 डेज में, और आपकी जो अर्थ है वो कितने दिनों में करती है, आपकी 365। देखिए ये क्यों हो रहा है, हम देख लेते हैं, ठीक है, इसको समझिए थोड़ा सा। मान लो ये आपका सन है और ये क्या है उसका ऑर्बिट वीनस का, ये मान लो आपकी अर्थ का ऑर्बिट, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस आपके सन से बढ़ेगा उतना बड़ा क्या होगा, आपका ऑर्बिट, और जितना बड़ा ऑर्बिट होगा उतना उसको देर लगेगा सन के अराउंड घूमने के लिए, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका ऑर्बिट बड़ा होते जाएगा आपको उतनी क्या लगेगी, देर लगेगी सन के अराउंड रिवॉल्व होने के लिए, ठीक है। तो हमारी अर्थ को कितने डेज लगते हैं, हमारी अर्थ को डेज लगते हैं 365 डेज, ठीक है। अभी उनका स्पिन देखते हैं उनके एक्सिस पे, ठीक है। तो वन स्पिन मर्क्यूरी को वन स्पिन करने के लिए कितना लगता है, 59 डेज, और वीनस को लगता है आपके 243 डेज, और आपके अर्थ को कितना लगता है, वन डे, ठीक है। तो आपकी जो डिस्टेंस है सन से आपके प्लैनेट का डिस्टेंस, वो डिटरमाइन ही नहीं कर सकता कि आपका प्लैनेट का स्पिन कितना होगा, ठीक है। अगर फिल्म में क्वेश्चन आ गया कि द स्पिन ऑफ प्लैनेट इज डिटरमाइंड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम सन,
तो ये क्या हो जाएगा, एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। और हमारे अर्थ के पास कितने मून हैं, हमारे अर्थ के पास है एक मून और एक मून था जिसका नाम था CD3, ठीक है। वो कुछ साल रहा, मतलब 1 या 1.5 साल रहा हमारे अर्थ को ऑर्बिट करता और फिर निकल गया। ये आपका प्रीलिम का क्वेश्चन हो जाएगा कि CD3 क्या था, ठीक है। तो ये क्या था, आपके अर्थ का एक मून था, सैटेलाइट, ठीक है। ये नेचुरल मून्स मतलब क्या होते हैं, आपके नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। और फिर आता है आपका मार्स। मार्स कितने दिन में ऑर्बिट करता है, 687 डेज में। और स्पिन कितने दिनों में करता है, आपका एक दिन में, ठीक है। और नंबर ऑफ मून्स कितने हैं इसके पास, मार्स के पास 2। फिर आते हैं आपके आउटर प्लैनेट, जिनको आप क्या कहते हो, आपके जोवियन प्लैनेट। जोवियन मतलब जुपिटर, जुपिटर जैसे प्लैनेट, जिनको हम क्या कहते हैं, आपका जोवियन प्लैनेट, ठीक है। तो अगर प्रीलिम में क्वेश्चन बन गया कि व्हाट आर द जोवियन प्लैनेट, तो जो आउटर प्लैनेट है उनको क्या कहते हैं आप, आपके जोवियन प्लैनेट, ठीक है। वेरी फार फ्रॉम द सन आर ह्यूज प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझ लेते हैं। मान लो आपका ये सन है, उसके पास क्या है आपका मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी पर जितना भी एटमॉस्फेयर होगा वो सन के रेज के कारण क्या होता जाएगा, ब्लो ऑफ, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि मर्क्यूरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ठीक है। और अगर मान लो जितना प्लैनेट आपका सन के पास से दूर होगा, उतनी सन रेज क्या होगी, उस पर कम इफेक्ट गिराएगी, और उसका जो एटमॉस्फेयर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा गैसियस होगा, ठीक है। इतना हमने समझ लिया, अभी हम आगे देखते हैं जुपिटर। तो जुपिटर जुपिटर क्या करता है, ऑर्बिट सन को, एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में उसको कितने साल लग जाते हैं, 11 साल, 11 साल 11 महीने, और अप्रॉक्सीमेट हम इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं, आपका 12 साल, ठीक है। और वो स्पिन कितने दिनों में करता है, एक स्पिन वो कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है, सिर्फ 9 आवर और 56 मिनट। मतलब मोटा मोटा एक हम बोल सकते हैं कि 10 10 घंटे में आपका क्या कर लेगा, एक स्पिन कंप्लीट। और इसके पास नंबर्स ऑफ मून्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ मून्स है इसके 16। और सबसे बड़ा जो सैटेलाइट है जिसका नाम क्या है, गैनेमेड, और वो किसका सैटेलाइट है, आपके जुपिटर का, ठीक है। गैनेमेड इज़ द लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। और ये मर्क्यूरी जो प्लैनेट है आपका, ठीक है, सन के बाद जो मर्क्यूरी आता है उस प्लैनेट से भी बड़ा है, ठीक है। और जो आपका गैनीमेड सैटेलाइट है ना, उसके बाद क्या है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड है ना, इंटरनल जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है वो भी हम थोड़ी देर में देख लेंगे। फिर आपका आता है सैटर्न। सैटर्न के पास क्या है, सैटर्न 1 ऑर्बिट कितने दिनों में कंप्लीट कर लेता है, 29 ईयर्स और 5 मंथ, ठीक है। और वो स्पिन कितने घंटे में कर लेता है, 10 आवर 40 मिनट। और नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, 18, ठीक है। फिर आपका आता है यूरेनस, और यूरेनस के पास नंबर ऑफ मून कितने हैं, 17। और फिर आपका आता है नेपच्यून। नेपच्यून कितने साल लग जाते हैं, 164 साल लग जाते हैं उसको। और ये स्पिन कितने आर में कर लेता है, 16 आर में। और ये आपका एक प्रीलिम का क्वेश्चन कि जापान क्या करने वाला है, जापान आपका जो मार्स का मून है, और मार्स का मून का नाम क्या, फोबोस, वहाँ से सॉइल लाने वाला है। तो ये आपका मे बी प्रीलिम का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि करंट बेस आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, तो एक करंट का टॉपिक है। तो बस आप याद रख लो कि मार्स का जो सैटेलाइट है फोबोस, वहाँ से सॉइल सैंपल कौन लाएगा, जापान, ठीक है। तो हमने देखा कि आपका जो प्लूटो है वो एक प्लैनेट नहीं है, उसको क्या बोलते हैं आप, आपका ड्वार्फ प्लैनेट। तो कंडीशन क्या है जो आपको प्लैनेट बनने के लिए सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका ये मेंस का क्वेश्चन हो जाता है, बन जाएगा कि व्हाट आर द कंडीशन टू बिकम अ प्लैनेट, ठीक है। उसके साथ और कुछ भी रहेगा थोड़ा सा एडिशनल, पर ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। तो कंडीशन टू बिकम प्लैनेट, तो क्या होना चाहिए,
प्लैनेट मतलब क्या होती है आपकी सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, और वो क्या करते हैं आप ऑर्बिट करते हैं किसके अराउंड, सन के अराउंड, ठीक है। तो मान लो ये एक प्लैनेट है, इसका एक सैटेलाइट है, अगर ये प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहा है, ठीक है, तो उसके साथ ये आपका जो सैटेलाइट है वो भी तो घूम रहा है ना, तो फिर उसको सैटेलाइट क्यों कहते हैं और इसको प्लैनेट क्यों कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हो गया ना कि अगर आपका प्लैनेट घूम रहा है तो आपका एक सैटेलाइट भी तो घूम रहा है साथ साथ, तो फिर उसको सैटेलाइट क्यों कहते हैं, इसको प्लैनेट क्यों कहते हैं, ठीक है। ये आपका प्रीलिम का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ बस, ठीक है। और हैज़ अ सफिशेंट मास ऑफ इट्सेल्फ ग्रेविटी टू ओवरकम रिजिड बॉडी फोर्स सो एज टू अज्यूम हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है कि राउंड शेप, ठीक है, या फिर स्पेरिकल शेप, इसी को हम क्या कहेंगे आपका हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। और उसने क्या करना चाहिए, उसके जो भी जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, ठीक है, उसने उस ऑर्बिट को, उसका पाथ क्या होना चाहिए, क्लियर्ड, मतलब समझ लो इसको कि अगर कोई एक आपका एक सन है, आपका एक प्लैनेट है, तो इस प्लैनेट के ऑर्बिट में और कोई दूसरा प्लैनेट है, फिर दूसरी कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए, सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, तभी हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है आपका प्लैनेट। तो तीन कंडीशन क्या हो गई, वो सन को ऑर्बिट करना चाहिए, उसकी स्फेरिकल शेप होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या, उसके जो भी ऑर्बिट है उसमें और कोई दूसरा सेलेस्टियल बॉडीज या फिर कोई प्लैनेट नहीं चाहिए, तभी ये क्या करेगा, कंडीशन सेटिस्फाई करेगा एक प्लैनेट बनने की। और प्लूटो के साथ क्या हुआ, प्लूटो के ऑर्बिट में और बहुत सारे ऑब्जेक्ट है और उसने उसका पाथ क्लियर नहीं किया, और इसी के वजह से ऐसे प्लैनेट को हम क्या कह रहे हैं फिर, आपके ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, पांच आपके ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ड्वार्फ प्लैनेट है, तो ये है आपके पास लिस्ट, ये आपका सीरियस, फिर प्लूटो, हुमे, मेकमेक और एरिस, ठीक है। और इनमें से जो ये चार है, प्लूटो, हुमे, मेकमेक और एरिस, ठीक है, ये TNOs है, TNO मतलब आपके ट्रांस नेपच्यून ऑब्जेक्ट, और आपका जो सीरियस है ये कहाँ पे लाई करता है, आपके एस्टेरॉइड बेल्ट में, ठीक है, ये डिफरेंस पता होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाएगा अगर बन गया तो, कि सीरियस लाई इन TNO, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि TNO का आप, आपका सीरीज कहाँ पे है, एस्टेरॉइड बेल्ट में, ठीक है। और इससे हम माइनर प्लैनेट भी कहते हैं सीरीज को, माइनर प्लैनेट, ठीक है। तो आपका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कंडीशन टू बिकम प्लैनेट और आपके ड्वार्फ प्लैनेट कौन से है, ठीक है। सीरीज इज द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इन द मेन बेल्ट बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। हमने देखा था आपका मार्स होता है, फिर जुपिटर होता है, बीच में क्या होता है आपके एस्टेरॉइड बेल्ट, और एस्टेरॉइड बेल्ट में एक एस्टेरॉइड है जिसका नाम है सीरीज, ठीक है, और एक क्या है, लार्जेस्ट एस्टेरॉइड, ठीक है, और इसको माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है, ठीक है। इसको डिस्कवर किया गया था 1 जनवरी 1801 में, ठीक है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए। ये आपके पास ड्वार्फ प्लैनेट, हमने क्या देखा था, ड्वार्फ प्लैनेट कौन से आपका मेकमेक, होमियो, सेरिस, एरिस और आपका प्लूटो, और ये कहाँ पे, आपका एस्टेरॉइड बेल्ट में, ठीक है। तो अभी मर्क्यूरी के बारे में कुछ जान लेते हैं, मतलब हम सभी अभी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन लेंगे सभी प्लैनेट के बारे में। तो आपका पहला क्या है, आपका है पहला मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है, क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, एंड इट इज़ अ एक्सट्रीमली हॉट प्लैनेट। द प्लैनेट हैज़ नो वाटर ऑन इट, ठीक है, और यहाँ पे गैसेस भी नहीं है, जैसे CO, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, O2, विच कैन एक्ट एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो मतलब मर्क्यूरी पे लाइफ पॉसिबल है क्या, मर्क्यूरी पे लाइफ पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और मर्क्यूरी के पास ओजोन जैसा जो एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है वो भी नहीं है, जैसा हमारे अर्थ के पास ओजोन है वो भी उसके पास नहीं है। और ओजोन का क्या काम होता है, आपको
बचाना किससे, हार्मफुल रेडिएशन है ना, जो यूवी रेडिएशन बोलते हैं हम इसको, उनसे बचाने का काम क्या करता है आपका, ओजोन। ठीक है, फिर है आपका वीनस। वीनस कौन से नंबर पे है आपके, सेकंड नंबर पे। ठीक है, वीनस इज द सेकंड प्लैनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ठीक है, और दिस प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। ठीक है, एंड इज ऑल्सो ब्राइटेस्ट प्लैनेट, और इसी के वजह से इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है, अगर ऐसा प्रिल में क्वेश्चन बन जाएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वीनस। ठीक है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इट इज़ सराउंड बाय थिक क्लाउड कवर, और थिक क्लाउड कवर के कारण ही क्या हो रहा है इसको, इसको क्या बोला जाता है आपका, वेल प्लैनेट। ठीक है, वेल मतलब अनक्लियर। ठीक है ना, तो इसको क्या है आपके, थिक क्लाउड कवर है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अगर सनरेज आ गई, ठीक है, तो वो वापस जाने के लिए उसको क्या होता है, ऑब्स्ट्रक होता है, और जिसके कारण क्या होगा आपका, जो आपका प्लैनेट है वो हॉट हो जाएगा। ठीक है, और ये वीनस क्या है आपका, मर्क्यूरी से भी हॉट है। ठीक है, और एक स्टेटमेंट जैसे कि वीनस इज लाइक द अर्थ इन साइज एंड मास, और इसी के वजह से इसको क्या कहा जाता है आपका, अर्थ का ट्विन। ठीक है, तो अगर हॉटेस्ट प्लैनेट ऑन इन आवर सोलर सिस्टम तो क्या हो जाएगा आपका, वीनस, मर्क्यूरी नहीं। ठीक है, मर्क्यूरी पास होके भी मर्क्यूरी हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आर सोलर सिस्टम नहीं है, कौन सा है, वीनस। ठीक है, और एक स्टेटमेंट है जैसा ये देख लो कि इट ऑल्सो रोटेस्ट क्लॉकवाइज लाइक यूरेनस, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, हम इसको प्रूव करेंगे बाद में, कुछ देर बाद में। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड, और प्रोग्रेड क्या होता है, रेट्रोग्रेड क्या होता है, हम आगे देख लेंगे। ठीक है, फिर आपका वीनस, हमने क्या कहा था, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट, इवन हॉटर देन मर्क्यूरी, और क्यों है, तो वेल ऑफ क्लाउड क्या करते हैं आपकी, जो सन रेडिएशन है जो बाहर जाने वाले हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं, और यही एक रीजन भी है हमारे अर्थ के लिए, जिसके कारण क्या हो रहा है हमारे ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं आपके, रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है आपका, सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, और फिर जो आपके क्या होगा, मेल्टिंग का रीजन भी यही बनेंगे। ठीक है, आपका जो आइस मेल्ट हो रहा है और आपकी सी लेवल राइज हो रही है, इसका रीजन भी क्या है आपका, ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, वीनस हैज नो वाटर ऑन इट एंड देर इज नो सफिशिएंट ऑक्सीजन ऑन द वीनस, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो सन की रेज है वो इतनी स्ट्रांग होती है इनके लिए पास होने के कारण, कि इनका जो एटमॉस्फेयर है ब्लो ऑफ हो जाता है। ठीक है, मतलब सभी गैसेस क्या हो जाते हैं, वहाँ से वाइप आउट हो जाती है। ठीक है, फिर आपका है आपका मार्स। मार्स एक आयरन रिच रेड सॉइल है। ठीक है, जो मार्स की जो सॉइल है वो क्या है, आयरन रिच रेड सॉइल, और उसके स्काइज कैसे है, पिंक कलर के, और इसी के कारण उसको नाम भी दिया है क्या आपका, रेड प्लैनेट। तो विच प्लैनेट इज नोन एज अ रेड प्लैनेट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका, मार्स। ठीक है, और मार्स के दो हमने सैटेलाइट देखे थे, एक फोबोस और एक डेमोस, तो फोबोस से कौन लाएगा सैंपल, सॉइल सैंपल आपका, जापान। ठीक है, और कब तक लाएगा, 2029 तक। ठीक है, और हमने ये भी देखा कि जुपिटर के पास क्या है, सबसे बड़ा आपका, सॉरी, ये जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑन सोलर सिस्टम, ये तो ठीक है, पर इसके बाद जुपिटर के पास क्या है आपका, सबसे बड़ा सैटेलाइट भी है, जिसका नाम क्या था, गैनीमेड। ठीक है, फिर आपका आता है जुपिटर। जुपिटर ऑल्सो नोन एज विंटर प्लैनेट। ठीक है, इसका एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, -1482 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेरी लो। और गैनीमेड हमने जो देखा था, ये सैटेलाइट किसका है, जुपिटर का, लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में पूरे। ठीक है, और जुपिटर के बाद है आपका सैटर्न, जो कि एक सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, पहला कौन सा आपका, जुपिटर, सेकंड आपका सैटर्न। ठीक है, सैटर्न हैज अ ब्राइट कॉन्सेंट्रिक रिंग
विच आर मेड अप ऑफ आइस एंड आइस कवर्ड डस्ट पार्टिकल विच रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है ना, तो सैटर्न की जो रिंग है आपको समझ आई किससे बनी होती है। आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, मतलब जो जितना जो हमारी स्लाइड होती है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, और आपके इसी से क्या बन जाएगी आपके नोट्स। और टाइटन क्या है, आपके सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट। ठीक है, और गैनीमेड किसका सैटेलाइट है, आपके जुपिटर का, और आपके टाइटन किसका है, आपके सैटर्न का। फिर आता है आपका यूरेनस। ठीक है, आपका आता है यूरेनस, और यूरेनस क्या है, यूरेनस इज अबाउट 4 times द साइज ऑफ अर्थ, मतलब हमारी अर्थ का 4 times बड़ा क्या है आपका यूरेनस। दिस प्लैनेट अपियर्स ग्रीनिश इन कलर, और ग्रीनिश कलर क्यों मिलता है इसको, क्योंकि वहाँ पे मीथेन गैस प्रेजेंट है उसके एटमॉस्फेयर में, जिसके कारण ये कौन से कलर में दिखता है आपका, ग्रीन कलर में। और आपका रेड कलर में कौन सा प्लैनेट होता है, आपका मार्स। ठीक है, और यूरेनस वॉज डिस्कवर्ड इन 1781 बाय सर विलियम हर्सेल। ठीक है, और यूरेनस का नंबर कौन सा है, 7th हमारे सन के पास से। ठीक है, और यूरेनस इज द फर्स्ट प्लैनेट टू हैव बीन डिस्कवर्ड बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप्स, अगर आपको प्रीलिम में क्वेश्चन आ गया कि विच वॉज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड बाय द यूज ऑफ टेलीस्कोप, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यूरेनस। ठीक है, फिर है आपका नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, 8th प्लैनेट सोलर सिस्टम में, और टेम्परेचर, द टेम्परेचर ऑन द सर्फेस ऑफ नेपच्यून रिमेन लो। ठीक है, और नेपच्यून इज वेरी सिमिलर टू यूरेनस एंड कैन बी कंसिडर ट्विन्स ऑफ नेपच्यून। अच्छा, तो अर्थ का ट्विन्स क्या कौन सा है, आपका वीनस, और नेपच्यून का जो ट्विन है, नेपच्यून का ट्विन कौन सा है, आपका यूरेनस। ठीक है, नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि रेट्रोग्रेड, हमने देखा था कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं उसको, एक तो रेट्रोग्रेड या फिर प्रोग्रेड। तो रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है, जो आपका जो अर्थ है, ठीक है, आपकी अर्थ है, ये आपकी नॉर्थ, ये साउथ, ये आपकी ईस्ट और ये आपकी वेस्ट। तो आपकी अर्थ कैसे रोटेट करती है, आपकी अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, पर आपका जो आपका वीनस है और आपकी यूरेनस है, वो क्या करते हैं, ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है। ठीक है, और इनको क्या कहता है, जो अगर आपके प्लैनेट अर्थ की अर्थ जिस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है उस डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, आपके प्रोग्रेड। और जो इसके अपोजिट, मतलब आपकी अर्थ के रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे, आपके रेट्रोग्रेड। ठीक है, विच मीन ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है ना, तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक कुछ होता नहीं है, क्या होता है, एक तो प्रोग्रेड या फिर रेट्रोग्रेड। ठीक है, और वीनस और मार्स का जो कोर है वो क्या हो चुका है, सॉलिड कोर, और सॉलिड कोर होने के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, तो आपका कोर क्या चाहिए, आपका कोर चाहिए लिक्विड स्टेज में, तभी आपका क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो पाएगी। ठीक है, अनलाइक ऑल अदर प्लैनेट यूरेनस हैज इज एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको समझ लो, मान लो ये आपका प्लैनेट है, ठीक है, ये एक ऑर्बिट में आपके घूम रहा है। ठीक है, और हमारी अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। ठीक है, पर आपका जो यूरेनस है, आपका यूरेनस है ना, इसका क्या है, आपका ये इसका ऑर्बिट ऑफ रोटेशन, और ये आपका मान लो प्लैनेट, और इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, इसके ऑर्बिट ऑफ रोटेशन ऑर्बिट से क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल होने के कारण क्या लग रहा है कि मतलब ये प्लैनेट इस ऑर्बिट पे आपके उसने अपने ऑर्बिट पे क्या हो रहा है, ये एक रोल होते हुए अपने को देखने को मिलता है। मतलब ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये अपने ऑर्बिट पे रोल हो रहा है। ठीक है ना, तो देखो, अनलाइक ऑल अदर प्लैनेट यूरेनस हैज एक्सिस ऑफ रोटेशन पैरेलल टू इट्स प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन। प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन मतलब उसका ऑर्बिट, विच मीन्स इट सीम्स टू बी रोलिंग ऑन द प्लैनेट प्लेन ऑफ रिवॉल्यूशन।
जिसके कारण क्या लगता है कि ये मतलब अपने प्लैनेट पे, आपके ऑर्बिट पे क्या हो रहा है, रोल हो रहा है। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी। अभी हम और कुछ समझते हैं कि जो आपका जुपिटर और सैटर्न है उनको क्या कहते हैं, आपके गैस जायंट। ठीक है, और आपका यूरेनस और नेपच्यून है उनको क्या कहते हैं हम, आपके आइस जायंट। तो अगर आप प्रीलिम के क्वेश्चन आ गए कि विच प्लैनेट आर नोन एज अ गैस जायंट और विच प्लैनेट आर नोन एज अ आइस जायंट, तो ये आपके प्रीलिम के क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, दिस वॉज आवर एंड, दिस इज आवर एंड आवर लेक्चर। और हम अगले क्लास में पढ़ेंगे आपके क्या होता है, मतलब हम अर्थ स्पेसिफिक स्टार्ट कर देंगे और हम देख लेंगे कि आपका लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड क्या होता है। ठीक है, आपके अर्थ की रोटेशन क्या है, आपका कितने दिन का, कितने आवर्स का आपका डे होता है, डे एंड नाइट कैसे होती है। फिर हम देखेंगे कि आपका अर्थ है ना, तो उसका कोर कैसा है। ठीक है, फिर उसका मेंटल क्या है, ये सभी चीज़ें हम कल देख लेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।